महाविकास अघाड़ी सरकार में बड़ी फूट पड़ गई है। जोड़ तोड़ के साथ बने गठजोड़ की गांठें अब तेजी से खुलने लगी हैं। मतलब यह कि उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन से स्वाभिमानी पक्ष पार्टी ने अपना समर्थन वापस लेकर इसकी शुरुआत कर दी है। पहले से ही आपसी कलह में फंसी उद्धव सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं और उसकी लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से नीचे चला गया है। वजह मंत्रियों विधायकों का भ्रष्टाचार है, जिसकी पोल पट्टी अब खुलती जा रही है। और दूसरी तरफ विपक्षी बीजेपी हमलावर है। उद्धव सरकार से नाता तोड़ने के बाद स्वाभिमानी पक्ष ने भी जोरदार हमला किया। इसके नेता राजू सेठी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ दिन भर के विचार विमर्श के बाद सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा की और कहा कि अब से स्वाभिमानी पक्ष और MVA के बीच किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। राजू सेठी ने हाल ही में अपनी पार्टी के एकमात्र विधायक देवेंद्र भुयार को संगठन से निष्कासित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 2019 के चुनावों के परिणाम के बाद से भुयार NCP नेताओं के साथ मिल रहे थे और उन्हें स्वाभिमानी पक्ष के मंच पर कभी नहीं देखा गया। पार्टी अधिवेशन में सेठी ने कहा कि किसानों का हित MVA द्वारा तय किए गए न्यूनतम साझा कार्यक्रम का केंद्र बिंदु था। मेरी पार्टी भी इसका हिस्सा थी। हालांकि पिछले 2.5 वर्षों में हमें बाढ़ के नुकसान के लिए उचित मुआवजे की मांग के लिए राज्य सरकार के खिलाफ विरोध करना पड़ा। हमें किसानों को भूमि अधिग्रहण मुआवजे को कम करने की सरकार के फैसले का विरोध करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि हर मुद्दे पर MVA सरकार ने किसानों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं MVA के साथ सभी संबंधों को तोड़ने की घोषणा करता हूं। इसके बाद हम खेतों का दौरा करेंगे, किसानों से मिलेंगे और उन्हें अपनी स्थिति बताएंगे। सेठी ने जिला परिषद सदस्य के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और 2 बार सांसद बने थे। वह उन 12 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें राज्यपाल के कोटे के तहत विधायक बनाने की सिफारिश की गई। सेठी ने कहा कि मैं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मेरा नाम सूची से हटाने के लिए कहूंगा। कोल्हापुर की अपनी यात्रा के दौरान NCP प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि गठबंधन से छोटे संगठनों की चिंताओं को देखना उनकी जिम्मेदारी है। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया।